चारण कुशवाहा का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं आज आपको ले के आया हूँ मक्की के खेत पे। जो हमारे बारिश में, हमारे राजस्थान में बारिश में तो बहुत होती है, हमारे आल राजस्थान में होती है मक्का। बाकी अभी जो गर्मी के सीज़न में, जो गर्मी के सीज़न में मक्का होती है, वो मैं आपके दिखाने जा रहा हूँ कैसा व्यू रहता है और कैसे इसका प्रोसेस होता है, मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं अंदर खेत में, अंदर चलते हैं। तारा फोटो आ जाओगे तारा मोबाइल पर? हाँ, तारा टच मोबाइल आगोगे तारा कोड आगो? कहाँ अभी? यहाँ आके घर पे है ये जीपा। अपन गाना देखा नहीं? जीपा देख लीजिए। देखो ये अभी जो गर्मी के मौसम में मक्का होती है, ऐसे पेड़ हैं मक्का के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इनमें भुट्टे भी लगे हुए हैं। हाँ, भुट्टे तो इसमें एक एक ही लगते हैं। ये देखो एक एक भुट्टे लगे हुए हैं सब में। क्यों, किसी में दो दो भी लगते हैं क्या? हाँ, दो दो तीन तीन भी। अच्छा, और जाकर देखो। अच्छा, अंदर दो दो तीन तीन भी है क्या? चलो दिखाओ अंदर में। चलो ये देखो, दो दो भी, किसी में दो लगे हुए हैं और किसी में एक लगा हुआ है, ऐसा भी है। तो अच्छा, तो आपका क्या नाम है? मेघराज। मेघराज जी? हाँ। अच्छा, लोधा? लोधा। अच्छा, तो आप मेघराज जी ये बताइए, ये मक्का की बुवाई किस टाइम करी थी आपने? ये तो लगते अगेन की करी थी। अगेन? अगेन में? हाँ। तो अगेन तो कब आता है अपने? जनवरी फरवरी में? हाँ जी। है? हाँ। अच्छा, और तो उसके बाद में इसमें कितना पानी डाल दिया होगा? पानी चले रहा प्रति दिन, तीन दिन। अच्छा, पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें? हाँ। अच्छा, तो इसमें ये बताओ आप, कितना बीज लग गया होगा आपके? कमी बोई था ये तो मक्का बोई थी ऐसे। नहीं, जैसे बीघे पे कितना लग जाता है? बीघा चार पाई, चार पाँच किलो। अच्छा, बीघे पे चार पाँच किलो लग जाता है बीज। अच्छा, फिर खाद, खाद कितना लगता है इसमें? खाद लग जाता है जैसे उस हिसाब से, कट्टे का अनुसार। अच्छा, 25-30 किलो बीघा एक बीघा पे? हाँ। अच्छा, दो तीन बार करके दे देते हैं। तो आप ये बताइए मेघराज जी कि इसमें एक बीघे में कितनी पैदा हो जाती होगी? पैदा तो खूब निकलती है, 15-16 भी, बोरी से भी कम नहीं निकलती, ऊपर ही बैठ जाती है 15-16 बीघा। तो फिर जैसे ये भाव मैची बिकती है गर्मी की मक्का, तो उसी रेट में बिकती है जैसे अपने सर्दी में जो आती है उसी? हाँ, अच्छी बिकती है इस टाइम पर, तो गर्मी के टाइम पर। अच्छा, भुट्टा भी? हाँ, भुट्टा भी महंगा बिक जाता होगा। तो मतलब फायदा अच्छा है इससे? हाँ जी। अच्छा, ठीक है साहब। देखो दोस्तों, मैंने आपको दिखाया ये मक्का का प्रोसेस, जो अभी गर्मी में ऐसा रहता है और इसमें आमदनी भी अच्छी होती है, क्योंकि मक्का तो जिस रेट में बिकती है, जो बिकी जाती है, बाकी इसके बावजूद जो भुट्टे बेच देते हैं, भुट्टे बेचने में इसमें कुछ किसान को फ़ायदा हो जाता है। तो दोस्तों, इनसे जानकारी लीजिए, जागरूक किसान हैं, और इनसे जानकारी लीजिए। और आप भी ऐसी तरह की, इस तरह की खेती फसल करिए और उन्नति करिए। तो चलते हैं, अब बाहर निकल लेते हैं। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसा आपका ज्ञान रहता है, कैसा नहीं रहता है, कैसा आपको क्या शिक्षा मिली आपको, इससे कैसी जानकारी मिली, वो कमेंट करके हमें बताइए, ताकि ऐसे जागरूक किसान से और सलाह ले सकें और ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू।